हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप स्नैपचैट से फ़ोटो लेते हो तो गैलरी में सेव नहीं होता है, उसे गैलरी में कैसे सेव कर सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। तो चलिए आज इस वीडियो में ये देखेंगे। दोस्तों कभी कभी होता है कि हम स्नैपचैट से कोई फ़ोटो ले लेते हैं, कोई फ़ोटो खींच लेते हैं तो वो गैलरी में नहीं जाता है, डायरेक्ट स्नैपचैट में ही सेव होता है। तो उसे आप कैसे गैलरी में सेव कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल की घंटी को दबा देना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ स्नैपचैट को ओपन करते हैं। चलिए हम कोई फ़ोटो ले लेते हैं एक, और उसमें गैलरी में सेव करने की कोशिश करते हैं, गैलरी में सेव हो रहा है कि नहीं। तो चलिए हम फ़ोटो खींच लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे ये गैलरी में सेव नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम गैलरी में ओपन करके देख लेते हैं कि गैलरी में सेव हुआ है कि नहीं। यहाँ देखिए दोस्तों कोई फ़ोटो गैलरी में हमारा सेव नहीं हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों दो फ़ोटो लिए थे, यहाँ स्नैपचैट में ही है, गैलरी में हमारा दिखाई नहीं दे रहा है। कोई फ़ोटो स्नैपचैट से लिए हैं वो फ़ोटो गैलरी में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप पहले से कोई फ़ोटो ले लिए हो तो उसको गैलरी में भेजना चाहते हो स्नैपचैट से, तो उसको लॉन्ग प्रेस करना है। जिस फ़ोटो को भेजना चाहते हो उसको लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करोगे दोस्तों यहाँ एक ऑप्शन नीचे में दिखाई देगा एक्सपोर्ट, इस पर क्लिक कर दे। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ देखिए दोस्तों व्हाट्सअप का आइकन दिखाई दे रहा है, ट्विटर का, मैसेंजर, फेसबुक, और इधर स्वाइप करोगे तो एक डाउनलोड का आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे दोस्तों यह गैलरी में सेव हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं कि गैलरी में हमारा सेव हुआ है कि नहीं। इस बार यहाँ देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से हमारा स्नैपचैट का फ़ोटो गैलरी में आ गया है जो पहले से ले ली गई थी। अगर आप चाहते हो कि स्नैपचैट फ़ोटो डायरेक्ट गैलरी में आ जाए उसके लिए यहाँ स्नैपचैट को ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद यहाँ देखिए दोस्तों जैसे ही ओपन करोगे ऊपर में एक ऑप्शन दिखाई देगा लोगो, इस लोगो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लोगो पर क्लिक करोगे यहाँ देखिए दोस्तों ऊपर में एक सेटिंग दिखाई देगा, इस सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने पर आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा मेमोरीज, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों सेव बटन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ मेमोरीज पर टिक है उसको यहाँ मेमोरी एंड कैमरा रोल, इस पर टिक कर देना है। उसके बाद बैक आ जाना है। जैसे ही आप कोई फ़ोटो को इस बार लोगे दोस्तों स्नैपचैट से तो हमेशा के लिए गैलरी में डायरेक्ट चला जाएगा। तो चलिए हम एक और फ़ोटो को ले लेते हैं। तो चलिए हम इस प्रकार से एक और फ़ोटो को ले लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों उसके बाद यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करोगे दोस्तों में ऑटोमेटिक यह चला जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों ये फर्स्ट फ़ोटो है, ये दूसरा फ़ोटो है, अभी लिए हैं वो फ़ोटो है। इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से आप भी स्नैपचैट का फ़ोटो गैलरी में सेव कर सकते हैं। बस इतना है दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।